Okay, students, welcome back. So the next topic is mode of grouped data. Grouped का मतलब यहाँ पे है grouped frequency distribution table. उसको short में इसने लिख दिया data. Frequency distribution table data ही तो है. तो grouped data. That means the data which has been grouped. जिसकी grouping कर दी, जिसकी class interval बना दी, वो grouped data हो गया. बड़ा था, काफी सारा बड़ा सारा डेटा था, तो पॉसिबल नहीं हो रहा था एक ही पेज पर एक ही जगह उसको वाइंड अप करके लिख पाना. सो उसको ग्रुपिंग करके उसने लिख दी, जिसको अपन हमारी स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. वो और कुछ नहीं, ग्रुप डेटा है. देखो आधा एक नंबर इक्वेशन आ जाए एमसीक्यू में, एक सैंपल कोई डेटा देते, बताओ ये ग्रुप है कि अनग्रुप है. तो जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आया वो तो क्या है, ग्रुप्ड. अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी अनग्रुप्ड हो सकता है जब क्लास इंटरवल ना बनी हुई हो. सीधे सीधे क्लास मार्क हो, सीधे सीधे क्या हो, क्लास मार्क हो. क्लास मार्क निकालते थे अपन इंटरवल से, उनका एवरेज करके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो क्लास मार्क बनता था. अगर सिंपली क्लास मार्क है तो वो क्या है, वो अनग्रुप्ड है. ग्रुप तो है ही नहीं ना वहां पे. ग्रुप मतलब क्लास इंटरवल दिखाई देनी चाहिए. और ग्रुप क्या होगी, जब क्लास मार्क ना हो, क्या गिवन हो, क्लास इंटरवल गिवन हो. क्लियर है सभी को? क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालनी सबको आती है. क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकालनी सबको आती है. व्हाट अबाउट क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल निकालनी आती है? क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल, यानी कि जैसे क्लास सपोज करो आपको गिवन है 0 to 10, तो इसका क्लास मार्क निकालते थे आप 5. तो अगर 5 गिवन है तो ये निकाल सकते हो पक्का? सारे गिवन है, मतलब सारे पूरे टेबल के आपको मैं क्लास मार्क लिख के दे दूं तो उससे उसके इंटरवल्स बना सकते हो? बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस हैं बोर्ड में. ठीक है, करेंगे अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करेंगे ये, एक बार पहले पूरा ये खत्म कर देते. चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया मोड. थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं फटाफट. ज्यादा कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला है जिसको अपने को याद करना है. स्टैटिस्टिक्स याद नहीं होता, अब याद कराते हैं. देखो कैसे याद नहीं होगा. ठीक है, तो मोड का डेफिनेशन वाइज मीनिंग दे रखा है. भाई मतलब क्या है मोड का? तो मोड का मतलब है एंट्री विथ विच रिपीट्स द मोस्ट. वो एंट्री, एंट्री बोले तो ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है. लिखो एंट्री विच रिपीट्स द मोस्ट. वैसे तो छोटी मोटी बातें बट रिवाइज हो जाएगा फटाफट से. विच रिपीट्स द most of the times. Which repeats the most. या फिर दूसरी भाषा में कहें, statistical भाषा में कहें, तो entry with the maximum frequency. Entry with the maximum, ये हो गई statistical भाषा. ठीक है, जिसकी frequency सबसे ज्यादा है, यानी बार बार repeat हुई है, सबसे ज्यादा बार repeat हुई है, that is mode. अब बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसका फॉर्मूला जो बनेगा. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो इसका फॉर्मूला बनेगा. अच्छा, मोड को हम जो है जेड लेटर से डिनोट करते हैं. किससे? कैपिटल जेड. देखो ये दो चीजें तो पिछले फॉर्मूले से मैच कर रही हैं. देखो जरा इंटू एच एल प्लस, तो बीच की चीज ही तो याद करनी है जो डिफर करती है पिछले फॉर्मूला से. वो भी बताएंगे. एक बार के लिए लिखो आप ये फॉर्मूला, लिखो एल प्लस, न्यूमरेटर में है f1 माइनस f0, डिनोमिनेटर में है 2f1 माइनस f0 माइनस f2. हो गया. अब यहां पे ये जो नोटेशन है उनका मतलब लिख लेते हैं नीचे. वेयर एल सेज दैट आई एम द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मैं मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हूं. एल कहती है कि मैं क्या हूं, जैसे वहां पे मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती थी, यहां पे मॉडल क्लास की वो क्या है, लोअर लिमिट है. ठीक है, अब तीन तरह के फ्रीक्वेंसी वहां पे दिखाई दे रही है, f1 f0 f2. तो F1 तो होता है
बेस, एफ वन क्या होता है बेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये मेरी बेस फ्रीक्वेंसी है। इससे जो पहले वाली होगी वो होगी एफ जीरो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब पिछली, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और एफ टू होगी बाद वाली, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। वो तो है प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास और ये है क्या सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और वो एग्जैक्ट मॉडल क्लास, एफ वन क्या है एग्जैक्ट मॉडल क्लास। ठीक है जी, यशमी समझ में आ रहा है सब? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे H will be the width of the model class, जैसे H वहां पे मतलब होता था H का width of the median class, यहाँ पे H मतलब है width of the model class, median will be changed to model, बाकी सब same, width of the model class। सारे elements लिख लिए हमने सभी ने, चलो अब बात करते हैं formula याद कैसे करें। देखिए ये अकेली ऐसा क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में जिसमें जो टेबल जैसी ही जैसी दिखाई दे रही है वैसे की वैसी लिखनी है, ना कोई कॉलम बढ़ाना है ना कोई कॉलम घटाना है, until unless class interval inclusive ना हो तो, inclusive है तो फिर exclusive करना है, बट बाकी exclusive है तो कुछ भी नहीं करना, frequency का ना कोई cumulative frequency बनाना, class interval का ना कोई class mark बनाना, ना कोई deviation लेना, ना कोई step deviate करना, कुछ नहीं है, जैसा है वही क्वेश्चन है सीधा formula लगाना है, जैसा है वही क्वेश्चन है सीधा का सीधा क्या करना है formula लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो तीन बार चीज लिखी हुई आई की मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास, जैसे वहां पे मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास था, यहाँ पे क्या है मॉडल क्लास, तो मीडियन क्लास का तरीका तो क्या था सेंटर वाली क्लास एन बाय टू करके अपन सेंटर पे पहुंचते थे, 100 है टोटल तो 100 का आधा किया 50 50 के फिर अपने एनालाइज किया वो मीडियन क्लास निकलती थी। मॉडल क्लास का मतलब मोड का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब तो जाना ही मिड पे था इसलिए अपन ने आधा किया, इसलिए आधी वाली क्लास नहीं बिल्कुल सेंटर वाली क्लास नहीं। मोड का मतलब क्या है जो बार बार रिपीट हो, तो यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो होगी मेरी मॉडल क्लास, तो एक लाइन और लिख लो नीचे मॉडल क्लास, स्टार मार्क या नोट करके लिख लो, द मॉडल क्लास, द मॉडल क्लास विल बी द क्लास, मॉडल क्लास विल बी द क्लास with maximum frequency, with maximum frequency। भाई मुझे बताएं मोड का मतलब क्या था जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। अब सपोज करो मैंने कह दिया कि 40 से 50 मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सबसे बड़ी, तो जो एंट्री सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो उस क्लास से ही तो बिलोंग करेगी, तभी तो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो बात को, क्या समझे क्या समझे बोलो। वो तो बता मैंने तरीका बताया, बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मोड क्या होता है, मोड वो एंट्री होती है जो बार बार रिपीट हो। मोड जैसे मान लो मोड है 45, तो 45 45 45 45 मान लो 10 बार रिपीट हो रहा है, तो 45 के सामने में फ्रीक्वेंसी 10 लिखता ना। अब लेकिन मैंने ग्रुपिंग करी है, मैंने 40 से 50 लिखी है क्लास इंटरवल, तो 40 से 50 अगर मैंने क्लास इंटरवल लिखी है तो वो 45 भी उस क्लास इंटरवल में आएगा, तो वो 45 की फ्रीक्वेंसी जो 10 हो रही थी अब इस पूरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 10 होगी, तो जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है That means वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो उस ग्रुप में ही है, यस और नो। जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है That means एक्चुअली जो मोड है, मोड मतलब वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर भी उसी क्लास में बैठा है, तभी तो उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जरूरी नहीं है बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिया जाता है। जरूरी तो ऐसे ले सकते हो आप,
जरूरी क्यों नहीं है, चलो मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये जो क्लास इंटरवल्स दी हुई है ना, इसी में से लेता हूँ, सपोज करो इसमें से 65 to 75 ये क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है, ठीक है। तो 65 to 75 जो मोड होगा, मोड मतलब वो एंट्री जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, सपोज करो 55 to 65 के बीच का कोई नंबर लो, सपोज करो वो ले लो आप 50 ले लो। अब 50 अगर इससे भी ज्यादा बार रिपीट हो जाए, 11 से भी ज्यादा बार रिपीट हो जाए, तो इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा ना हो जाए। पॉइंट है बट उतना मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं अपन, उतना मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। हाँ तो लॉजिक हमेशा जितने भी ग्रुप्ड, अभी जैसे अपन ने मीडियन निकाला तो क्या गारंटी है कि एग्जैक्ट सेंटर है, बट मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं ना इतना। अभी जो अपन ने मीडियन निकाला, अगर मैं उनको अरेंज करूँ तो मैंने क्या कहा, वो बिल्कुल सेंटर का होगा। अभी सेंटर का जैसे 110.7 आया, 110.7 जरूरी नहीं है कि उसमें एंट्री ही हो, बट फिर भी उसको मीडियन मान के चलते हैं ना। एग्जैक्ट एंट्री वो हो नहीं, फिर भी उसको मीडियन मान के चलते हैं ना। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं, मुझे बताओ तो मीडियन क्या लेते हो, बीच के दो का एवरेज, तो वो एक्चुअल वो एंट्री तो है ही नहीं उसमें, फिर भी उसको मीडियन मानते हैं ना, ठीक है, क्लियर है। तो उतना अपन एरर लेके चलेंगे, अपन मानेंगे कि जो एंट्री बार बार रिपीट हो रही है वो उसी क्लास इंटरवल में बैठी है और वही मेरी मॉडल क्लास है। तो क्या लिखा हमने, क्या लिखा नीचे, The model class will be the class with maximum frequency. ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले को याद करते हैं। देखो L और H तो याद हो गया होगा सभी को, ये बीच का जो कंपोनेंट है इसको याद करते हैं। तो देखो फर्स्ट आना कौन कौन पसंद करता है, तो सबको फर्स्ट आना है, तो F1 तो है मेरा बेस, क्योंकि फर्स्ट आना सबको पसंद है, F1 आना है मेरा बेस। अब यहाँ पे तीन तरह के नंबर है, 1, 0 और 2, कौन कौन से नंबर है, 1, 0 और 2। तो 1 अगर मेरा बेस है तो 0 बेस से पिछला वाला और 2 बेस के बाद वाला होगा। अगर 1 मेरा बेस है, बेस को यहाँ पे बस ये गलती मत करना, बेस को 0 मत ले लेना। बेस अक्सर अपन और जगह पे बेस 0 लेते हैं ना, और फिर नेगेटिव भी चले जाते हैं पॉजिटिव भी चले जाते हैं, बट इस जगह पे बेस 0 नहीं लेना, बेस 1 है। बेस क्या है, 1। तो जो प्रीसीडिंग वाला होगा वो कौन होगा, 0, और जो सक्सीडिंग वाला होगा वो कौन होगा, 2। बस फ्रीक्वेंसी तो नोट डाउन करनी है भाई, F1 मतलब जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब जो मॉडल क्लास से पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब जो मॉडल क्लास के अगली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। बेस 1 है, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब सुनिए, F1 में से F0 माइनस कर रहा है, तो करीब करीब ये मीडियन के रस्ते पे चल रहा है। मीडियन भी क्या करता था, N/2 माइनस CF करता था, मीडियन क्लास में से पिछला वाला माइनस करता था CF, याद है। तो इसने भी उसको कॉपी किया, इसने क्या किया कि बेस में से मैं पिछली फ्रीक्वेंसी माइनस, CF तो इसके पास है नहीं, इसके पास तो F ही है, तो ये F जो F है उसमें से पिछली F माइनस कर रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसने क्या कर दिया, जब इसका दुगना किया, जब इसका दुगना किया तो देखो F0 उधर भी माइनस करी थी, F0 इधर भी माइनस करी थी, बट अब वो बेस दुगना हो चुका है, बेस दुगना हो चुका है, तो इसने सोचा कि यार अब दुगने में से मैं केवल अकेला वो नंबर माइनस करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो चलो अगला भी माइनस कर देता हूं, ठीक है। देखो ये है बेस, F1 तो है बेस, F1 तो है क्या, बेस, बेस फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर गए ये है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इससे आगे गए ये है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। एक बार तो केवल इन दोनों का गैप किया, F1 माइनस F0। अब अगले बार इसको, इसको और इसको सक्सीडिंग प्रीसीडिंग दोनों को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करेगा करना है तो बड़ा ये बीच वाला नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा करने के लिए इसका क्या कर दिया इसने, दुगना। दुगना करने के बाद काफी बड़ा नंबर हो गया, अब आप प्रीसीडिंग वाला भी माइनस करें और सक्सीडिंग वाला भी माइनस करें। बोलो याद हुआ फॉर्मूला सभी को, बोलो आकांक्षा फॉर्मूला बोलो तो सही। N2H, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। चलिए फटाफट से एक आध क्वेश्चन करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं।
नहीं वो तो होमवर्क है, एक्सरसाइज पे आइए या एग्जाम्पल पे आइए, एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं कोई अच्छा सा, एक एग्जाम्पल है उसी को ले लो। एग्जाम्पल सेवन्थ है शायद, एग्जाम्पल फिफ्थ है, ठीक है। अभी अपन केवल मॉड निकालने का डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी इसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग कोई भी चीज, इसके भी बन सकते हैं, तो उन पे अपन बाद में चर्चा करें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकैलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउसहोल्ड। घर घर में गए आप और आपने पूछा कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो फैमिली साइज एक से लेके तीन थी, यानी एक मेंबर हो, दो मेंबर हो, तीन मेंबर हो, इतनी फैमिली साइज के कितनी फैमिलीज मिली, सात। फिर जैसे जैसे बढ़ती गई तो ये फैमिलीज घटती गई, नंबर ऑफ फैमिलीज घटती गई, तीन से पांच वाले आठ हो गई, पांच से सात वाले दो ही फैमिलीज मिली, सात से नौ वाली भी दो ही मिली, और नौ से ग्यारह वाली कितनी मिली, एक ही मिली, जिसमें नौ से ग्यारह मेंबर्स हो ऐसी फैमिली क्या मिली, एक ही मिली, ठीक है जी। तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, इसका डेटा का क्या चाहिए हमको, मोड चाहिए, फटाफट से ये दो कॉलम नोट डाउन करें, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली। और सबसे सबसे हमारे लिए खुशी की बात यह है कि एक दो ही कॉलम है, बस दो के दो ही लिखने हैं, कोई तीसरा कॉलम बनी बढ़ाना हमको, है ना। इधर ये जरूर लिख देना कि ये फ्रीक्वेंसी, कॉलम के हेडिंग में डाल देना कि दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज का सम क्या जरूरत है बताओ, जरूरत तो नहीं है बट आप कर लिया करो। उससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है जैसे आपने फ्रीक्वेंसी का सम किया, सात और आठ, पंद्रह और दो, सत्रह और दो, उन्नीस और एक, बीस, तो ये बीस इससे बीस से मैच कर गया ना, तो उससे ये श्योर हो जाता है कि मैंने फ्रीक्वेंसी सही नोट डाउन करी है। कई बार हम भी तो गलत नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ और हमने वन की जगह टू नोट डाउन कर लिया तो सम बिगड़ जाएगा नीचे, और दूसरा एक आदत अच्छी बनी रहती है क्योंकि उन दोनों में तो काम आती है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कर लिया करो टोटल, और उसके लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, n इक्वल्स टू 20, n इक्वल टू 20। क्यों मैं बार बार इसके फ्रीक्वेंसीज के सम को n लिखवाता हूं, ताकि याद हो जाए कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n होता है, ठीक है ना, n इक्वल्स टू 20। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे, जैसे वहां पर मीडियन क्लास निकालते थे, यहां क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास। हेयर हेयर क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल ढूंढिए जरा, सबसे ज्यादा दिख रहा है आठ, दिख रहा है सबको, तो क्लास इंटरवल कौन सी हो गई, थ्री टू फाइव। सो मॉडल क्लास भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास थ्री टू फाइव। अब जो आप कह रहे थे ना एच, दैट इज मॉडल साइज, जो भी मॉडल क्लास है उसकी साइज वो होती है मॉडल साइज, ठीक है ना। तो चलो बाकी सारी चीजें निकालनी हमको, तो मॉडल क्लास आ गई। नाउ सबसे पहले हम एल और एच निकाल लेते हैं, एल तो जाएगी लोअर लिमिट यानी थ्री, एच हो जाएगी इन दोनों का गैप, दैट इज फाइव माइनस थ्री यानी कि टू, और उसके बाद फिर बेस से स्टार्ट करना हमेशा, एफ वन, एफ जीरो और एफ टू, तो एफ वन, एफ जीरो, एफ टू। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, मॉडल क्लास थ्री टू फाइव थी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, आठ, तो एफ वन यानी बेस फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगी आठ, एफ जीरो मतलब प्रीसीडिंग, तो आठ से पहले क्या दिख रहा है, सात, और एफ टू मतलब सक्सीडिंग, तो आठ के बाद क्या दिख रहा है, दो। बस फ्रीक्वेंसी वाले में से कॉपी पेस्ट करना है आपको, कुछ भी जोड़ बाकी इसमें अभी तो करना है नहीं, F2 will be 2, F2 2 है, ठीक है। सारे डेटा आपने एक जगह नोट डाउन कर लिया, अब क्या लगाना है, फॉर्मूला और आंसर, कर दूं उसको डिलीट। नाउ मोड Z, मोड लेटर उसका Z इक्वल टू L प्लस
F1 माइनस F0। अच्छा ये 10 जो लगा रहे हो ना F1 F0 दैट शुड बी रिटन इन द टेल, टेल में लिखना है, इसके सामने ऐसे मत लिख देना कोई F1, गलत होगा। ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इनटू H। तो बोलिए लोअर लिमिट क्या थी, L क्या था 3 और F1 माइनस F0 यानी 8 माइनस 7 और 2F1 यानी 2 इंटू 8 माइनस 7 और F2 क्या था 2 इंटू क्लास विड्थ कितनी थी 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 8 में 7 गया 1, 8 दूनी 16, 16 माइनस 7 माइनस 2, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं मैं कितना हुआ, 16 में से 9 गए तो 7 और इंटू उधर क्या बचता है 2, तो इट इज 3 प्लस 2 बाय 7। 2 बाय 7 को सॉल्व करेंगे, बोलो क्या आएगा, 0.28 अप्रॉक्स, विच विल बी इक्वल टू 3.28 अप्रॉक्स। और ये क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज थी, ओ सॉरी फैमिली साइज थी, फैमिली साइज मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स थे, 0.21 आएगा सोनाक्षी, 0.28 आएगा। इधर देखो पागल, इधर देखो पागल होनी गई है, इधर देखो 0.072 × 14, 6 0 7 8 56। ठीक है, ओके, तो 0.28 आएगा और इट विल बी 3.28। मेंबर्स क्या लिखोगे आप आगे, मेंबर्स, क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों क्लास इंटरवल की जो हेडिंग होती है वहां से ली जाता है, मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों कहां से लेती है, क्लास इंटरवल की हेडिंग, तो क्लास इंटरवल फैमिली साइज है, दैट मींस ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो 3.28 मेंबर्स। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम, हेंस मोड ऑफ द गिवन डेटा, द मोड ऑफ द गिवन डेटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो मॉडल फैमिली साइज इज व्हाट, 3.28 members approx answer। तो समझ में आया मोड, अब एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। ठीक है ना, काफी आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।